आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर अ वेव प्रोपगेशन मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि कौन सा इंडिपेंडेंट होगा अदर के। अगर हम एक वेव प्रोपगेशन इन अ मीडियम, एक मीडियम में वेव प्रोपगेशन का बात करें, तो इनमें से कौन सा जो है प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर हम वेव प्रोपगेशन का बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दिमाग में जो फार्मूला आता है या जो रिलेशन आता है वो है वी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, यही हम बोलते हैं यहाँ पे लैम्डा को, वेवलेंथ बोलते हैं। अब हम अगर बात करें कि एक लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है मीडियम में, अगर लाइट कोई भी किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट फॉर अ कांस्टेंट मीडियम। ठीक है, अगर एक ही मीडियम में बात करें तो कितना हो जाएगा, सी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होता है सी इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है, तो स्पीड ऑफ लाइट फॉर अ कांस्टेंट मीडियम, ठीक है, कांस्टेंट मीडियम हमें पता चल गया सी है, तो यहां से हम बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, और सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ये कह सकते हैं। अब सी अपॉन लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है यहां पे, तो ये यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपका इंडिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, ये हो गया इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहां पे एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी लाइट मीडियम में चलेगा, आप मीडियम चेंज कीजिए, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, मीडियम के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो है n, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट, उसके अनुसार वेवलेंथ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, लेकिन म्यू जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेलोसिटी, नहीं, वेलोसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं होगा कांस्टेंट। बी वेवलेंथ नहीं होगा, सी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, ये इंडिपेंडेंट है, तो सी चेन्नई क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।